हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आपका दोस्त अनिल देवल और आज हम आपको ऐसे शख्सियत के बारे में रूबरू करवाएंगे जो आज अपने देश नहीं देश विदेशों में अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आइए मिलाते हैं हम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथाकार श्री प्रमोद सुधाकर जी महाराज श्री रंगमहलधार हरिद्वार से। दोस्तों बहुत बेसब्री के साथ हमारा ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ था और बहुत ही अच्छा फील हुआ था। आई होप कि आपको भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमने लाइफ के बारे में बात करी, हमारे धर्म के बारे में बात करी, हम इंसानियत के बारे में बात करी, बहुत सारी डीपली गहराई से हमने जाकर इस बात करी गुरु जी से। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो से प्रेस करिए, क्योंकि चैनल पर इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रही। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है, कैसे हो? बस बढ़िया एकदम, कृपा। हाँ गुरु जी, बहुत सारे लोगों का सुंदर साथ का क्वेश्चन रहता है कि सभी बात अपने शेयर नहीं कर पाते पर्सनली, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसके माध्यम से सभी जितने भी सुंदर साथ वगैरह है उनका हर जवाब का आंसर उत्तर हम दे पाए उनको। तो इसके लिए अपनों ने वीडियो पॉडकास्ट रेडी कर रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यह था कि आपकी दिनचर्या कैसे स्टार्ट होती है? दिनचर्या तो मेरा, अब पहले तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरी दिनचर्या तो मैं सुबह प्रातः जब उठ करके स्नान करना, अपना पूजा पाठ करना, नित्य नियम है मेरा। मैं राजजी महाराज, जिनको भगवान जी कहते हैं, उसे राजजी महाराज के स्वरूप लेकर के चलता हूँ और सुबह पाठ करना, पूजा करना, उसके बाद फिर बस ही है, बस कथा चलती रहेगी। गुरु जी, बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हर कोई अलग अलग अपने जीवन में कुछ कुछ डिफरेंस करते हैं, तो आपने अध्यात्म को ही क्यों चुना? अध्यात्म को मैंने चुना कहूँ या अध्यात्म ने मुझे चुना, ये तो सब प्रारब्ध है, या माता पिता का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद है। कभी सोचा नहीं, लेकिन शायद राजी महाराज भगवान जी जो कराना चाहते हैं, परमात्मा जो कराना चाहते हैं, वही होता है। लेकिन मैं जब छोटा ही था, 15-16 साल का था, तभी मैं घर छोड़ करके निकल गया था और जाकर के गुजरात में जाकर के जामनगर में अध्ययन किया वहाँ पर। तो आनंद एक प्रारब्ध था और गुरुओं का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद, उनकी कृपा, इसीलिए अध्यात्म में आ गए। जर्नी चुनाए, समझाए हमको आपका कैसा रहा सफर आज तक का, सबसे अपना जैसे बचपन से लेकर आज तक का इस अध्यात्म में कैसी कठिनाई आई, कैसे क्या आपने प्रॉब्लम वगैरह फेस करी? नहीं देखिए, जीवन में कठिनाई तो सभी को आती है, ऐसा नहीं है कि हम अध्यात्म के मार्ग पे चले हैं, अध्यात्म के रास्ते पे हम लोग चले हैं, तो इसका मतलब हमारे जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं आती। ये आपने अच्छा प्रश्न किया था कि मैं इसके माध्यम से, हो सकता है जो जीवन में आध्यात्म की ओर चलना चाहते हैं लेकिन उनके जीवन में कुछ परिस्थितियां और कुछ कठिनाइयां आती हैं, तो उनके लिए एक मार्गदर्शन जैसा होगा। हाँ, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता हर किसी के लिए, क्योंकि हम जब मैं छोटा ही था, मैं जामनगर गुजरात में, और वहाँ वाणी वितक चर्चनी विराट इन सब का मैं अध्ययन करने लग गया और संस्कृत की वहाँ विद्यालय भी। जब अध्ययन करने लगा तो अध्ययन करते करते अब कुछ समय पश्चात, कुछ वर्ष बाद, फिर वहाँ से वृंदावन चले गए और वृंदावन में जाकर के जब श्रीमद् भागवत और वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना शुरू किया दंडी आश्रम में, तब तक मेरे जीवन में किसी के साथ में भी एक संपर्क नहीं था। मतलब होता नहीं कि हम केवल माता पिता के साथ, क्योंकि माता पिता तो माता पिता होते ही। लेकिन उस समय में जब परिस्थिति मेरे जीवन में आई तो उस समय में मैंने ये भी चाहा कि मैं माता पिता से भी ज़्यादा संपर्क न करूं, ताकि मुझे जो कठिनाइयां हो रही है और ये वहाँ तक पहुँच जाएगा तो दुनिया में हर कोई सह सकता है, लेकिन अपने बच्चों का जो दुख है ना, माता पिता नहीं सहन कर सकते। तो वृंदावन में जब अध्ययन कर रहा था, हमारी तो ऐसी परिस्थिति थी, दंडी आश्रम में जाते थे राजाराम मिश्रा गुरुजी महाराज से श्रीमद् भागवत अध्ययन करने के लिए, जो करपात्री जी महाराज के शिष्य हैं जी,
कर्पात्री जी महाराज का नाम सुना होगा, जो बड़े पहुंचे हुए संत थे। हाँ। जिन्होंने एक गौ हत्या बंद हो और उस आंदोलन में वो दिल्ली तक निकल गए थे, तो कुछ घटनाएं ऐसे घटी थी। तो कर्पात्री जी महाराज जी के शिष्य से मैं अध्ययन करता था, तो उस समय में जब सबसे संपर्क छूट गया, क्योंकि उससे पहले मैं जामनगर में मैंने ये वाणी का अध्ययन का प्रशिक्षण लेकर के आया था, तो वाणी में एक प्रसंग मतलब चौपाइयां ऐसी आती है कि दुख हरे प्यारो मेरे प्राण को। प्राणा जी कहते हैं कि दुख मेरे प्राण को बहुत अच्छा लगता है, और उनको दुख खाए। दुनिया वाले को तो दुख खा जाता है, लेकिन पता नहीं मुझे तो दुख खाने को मन करता है, मतलब हाँ। मुझे दुख उठाने को मन करता है, ऐसा ऐसा प्रसंग। और कहते हैं प्राणा जी ने वाणी में एक चौपाई आई कि सुख के फिरे सब फिरे, सुख को पाने के लिए सारी दुनिया फिरते हैं, लेकिन कोई बिरला साध नहीं, दुख तो कोई कोई बिरला साधु ही निभाते। ये सारे प्रसंग सुना ना कि दुख से पीऊ मिले सी, सुखे न मिलिया कोई, अपना धनी का मिलना सोही दुख से होए, दुख से ही परमात्मा मिलेंगे। हाँ। अब अवस्था छोटी होती है ना, तो उस समय में क्या था, जिसमें लगन होती है ना, तो उस पर एकदम उसको पाने की चाहना रखती है। हाँ। तो मैंने भी सोचा कि दुख कैसा होता है जरा देखे, तो इसीलिए सबसे संपर्क। अब मैंने अब जो लैंग्वेज सीखने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे होता ना कि एक नियम बना लिया, और किसी से भी संपर्क में नहीं रहा, तो उस समय में कठिनाइयां ऐसी आई। हम लोग पढ़ने जाते थे दंडी आश्रम में, तो हम लोग अटला चुंगी से वहां तक पैदल जाना होता था। उस समय में हमारी हालत ऐसे थे कि एक रुपये भी नहीं होते थे, इतनी परेशानियां। लेकिन किसी से हमने अगर जाहिर करते तो शायद होता, और माता पिता तो पहले लेते ही थे। मैं एकदम से संपर्क में टूट गया, तो उस 4 रुपये मेरे पास में थे, और रोज वहाँ पढ़ने जाते थे, अध्ययन करने जाते थे दंडी आश्रम में। तो मैं एक मित्र थे, वो उनसे मैं लेखनी मांग करके बोलता था कि मुझे लिखने के लिए देना आप, तो रोज रोज मांगना। एक दिन उन्होंने बोला कि आप मेरे से मांगते क्यों हैं, आप अपने लेके क्यों नहीं आते। तो मैं उनको कुछ बता नहीं पाया, तो कुछ कुछ बहाना बनाता था। लेकिन उस दिन बड़ी पीड़ा हुई कि इतने दिन हो गए मेरे पास 4 रुपया है, और 5 रुपये होते तो एक पेन मिल जाता, खरीद लेता मैं। तो बड़े दुखी मन होकर के मैं आ रहा था, तो इस्कॉन मंदिर के सामने ऐसे लीला की ठाकुर जी ने कि मुझे 1 रुपया ही मिला, एक का सिक्का ही मिला मंदिर के सामने। मैं इतना खुश हो गया कि जैसे मुझे सारी दुनिया की संपत्ति मिल गई। तो 1 रुपया उठाया, फिर उठाने के बाद खुश हो गया, वो लिया, अब मुझे एक डॉट पेन तो खरीदूंगा ही, ऐसा सोच रहा था। लेकिन मेरे मन में उस समय थोड़ी सी लालच आया। लालच कैसे आया, जब 1 रुपया मांग रहा था परमात्मा से तो मुझे 1 ही रुपया मिला, और जब देना ही था 1 रुपया तो उसके बदले में 100 रुपये देते तो 100 देते तो कम से कम और कुछ सीडियां या कुछ कॉपी वगैरह, कुछ किताब वगैरह खरीदते। हाँ, हाँ। अध्ययन करने के लिए लालच आ रहा है। मैंने नहीं, नहीं नहीं, ये तो जो दिया है परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो उसके बाद मैं गया और मैंने डॉट पेन खरीदा, और उसके बाद पढ़ने फिर शुरू किया, खूब पढ़ा, और आज भी मैं उस पेन को रखता हूँ पूजा करके। क्या बात है। और इतनी कठिनाइयां उठाई कि उस समय में मेरे चप्पल मतलब गुम हो गई, चप्पल है ही नहीं। और आपको पता है कि वृंदावन की गर्मी और सर्दी तो सहना बड़ा मुश्किल है वहाँ पे। तो उस अध्ययन करना जाना, चप्पल नहीं थे तो कपड़े पैर में बांध करके चलते थे हम लोग गर्मी में। पाँव तो ऐसा होता था कि देखने लायक नहीं होते थे, और कपड़े धोने के लिए तो पैसे नहीं थे। तो अब धोना रोज है, धोया सुखाया फिर उसी को पहना। तो जो ऐसे ये सफ़ेद है ना, सफ़ेद वस्त्र है ना, वो भी लगभग लगभग कलर अलग ही हो गया था। और बाकी बिहारी मंदिर के पास में किराने की दुकान में, थोड़ा वहाँ से निधि वन की तरफ जाते हैं तो वहाँ किराने की दुकान पर जा करके, फिर मैंने सोचा कि कुछ काम करेंगे और मतलब कुछ ग्रंथ खरीदेंगे। मेरे पास ग्रंथ नहीं था, खाली एक भागवत कॉपी और डॉट पेन बस, और मूल भागवत। फिर मैं उसके बाद में गया वहाँ किराने की दुकान में जाकर के, फिर उनसे कहा तो उन्होंने बोरियाँ उठाने के लिए बोला, तो आटे की बोरी भी उठा करके पैसे
फिर इकट्ठे करना शुरू किया, थोड़े बहुत पैसे आ गए, फिर उसके बाद में काम तो बड़ी परेशानियां उठाई। फिर वो जो झांकी, जो हम जिस मंदिर में रहते थे वहाँ झांकी देखने के लिए लोग जाते थे अंदर, तो हमें वो टिकट देखने के लिए, अब मंदिर में बैठे हैं तो सेवा तो करनी पड़ेगी, तो झांकी के लिए सामने टिकट के लिए बैठते थे तो हम टिकट मांगते थे। कई बार पता नहीं हमें परमात्मा की कैसी लीला, कोई 2 रुपया कोई 5 रुपया हाथ में पकड़ा देते थे, तो थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया। तो करते 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 सिक्के सिक्के ही 400 रुपये हो गए, और उस 400 रुपये से मैंने अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की जो भागवत है 2 भाग में वो खरीद करके लेकर के आए, और फिर पैसे खत्म। फिर उसको पढ़ने लगा तो बड़ा आनंद आ, मन में ये था कि ना मुझे श्रीमद् भागवत कथा करनी है, कुछ एक्स्ट्रा बनना है, मन में एक होता था कि और उसे कुछ हट करके कुछ बने। तो उस भागवत अध्ययन करने लगा तो उसमें भी बहुत समस्या आई मंदिरों में। अब मंदिर में बैठे हैं तो अब वो करना कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें ऐसे कराया जाता था कि बर्तन साफ करो, झाड़ू करो, ये करो, इतने बड़े बड़े हॉल वगैरह होते, उसको रात को साफ करते करते 11:30-12 बज जाते थे, सोएंगे कब, सुबह उठेंगे कब, परेशानियां तो खूब आई। चलो ये तो संघर्ष अपने विद्यार्थी जीवन में हर किसी के जीवन में आते हैं, तो सबकी समस्या अलग अलग होती, लेकिन इसके बाद भी अध्यात्म में निकलना, क्योंकि आप भाई भाई में भी देखिए, भाई भाई की तरक्की देख करके बहुत जलन करते, भाइयों को भी थोड़ी सी मन में, हर एक भाई की न हो लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में थोड़ी सी ईर्ष्या सी कुछ हो जाती। तो आध्यात्मिक जीवन में जब चलने लगे तो वहाँ पर भी बहुत परेशानी आई, कुछ ऐसे ऐसे समस्या आई, लेकिन आज जिन्होंने भी मुझे कष्ट दिया, परेशानियाँ दी, किसी मंदिर में जाकर के रोटी खाने लगते थे तो कि देखो वहाँ कोई आए हो तो मंदिर में रुकने मत देना, अब वो उनकी समस्या होती थी बेचारे ना, जिन्होंने भी परेशानियाँ दी तो उस समय बड़ी तकलीफ होती थी कि बड़े कष्ट दिए। लेकिन आज जब श्रीमद् भागवत कथा करते करते यहाँ तक जो रांची महाराज की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से पहुँचे ना, तो आज लगता है उन लोगों ने अगर ऐसे नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं पहुँचता। इसीलिए मैं राजजी महाराज को ये मनुष्य जीवन देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए धन्यवाद तो आइए, लेकिन उनको भी थैंक यू और धन्यवाद जिन्होंने मेरे जीवन में मेरी कमियां या मुझे कुछ गिराने की कोशिश की। तो इसलिए देखिए हर एक लाइन में चलता ही है, तो आज मैं उनको बड़े धन्यवाद करता हूँ कि जिनके कारण मैं बहुत मेहनत करने लगा। वो नहीं होते तपन यहाँ पर आज नहीं होते, आते ही नहीं, तो गांव-गांव में दौड़ने लगा, इधर उधर भागने लगा, खूब जैसे अटैची लेकर के कभी रिक्शा में जाना कभी उसमें जाना। हाँ, मेरे जीवन में 2 ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत सहायता की इस दुनिया में, और उन 2 व्यक्ति में एक ने तो जब मेरी परेशानियों को देखा, उन्होंने समझा दिल्ली के, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज लेकर के दी कि जो चीज आज के जमाने में करोड़ों का गाड़ी। जब उन्होंने देखा कि आप प्रवचन भी करते हैं, भजन भी गाते हैं, लेकिन आप इतने पीछे क्यों हैं, आप तो समाज में बहुत आगे जाना चाहिए था। फिर मैं उनके सामने किसी की कमी नहीं बताना क्या होता है, मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे एक अंदर से वेदना फूटी, तो उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने बोला 1,60,000 रुपये लेके आना आप, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैं अब उस समय में 1,60,000 कहाँ से लेके आऊँ, मुश्किल से 30,000-40,000 रुपये जमा करके उनके पास गए, तो बोले कि जब भी हो लेकिन 1,60,000 मुझे देना। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, तो परसों मेरे पास आना। तो गए एकदम से, उन्होंने ऐसे गाड़ी खरीद करके दिए और चाबी पकड़ा के बोलते गाड़ी मेरे नाम पे है और ये गाड़ी आप सुरक्षित चलाइए, लेकिन इतना दौड़िए कि सबसे आगे जाइए, बताइए। और उस जमाने के 8.5 लाख रुपये की गाड़ी उन्होंने दी, तो लेकर के तब मेरा सोना भी गाड़ी में था, मेरा घर, मेरा सब सारा आश्रम ही सब पूरी गाड़ी, गांव गांव में दौड़ता था मैं, मोतिया, सग्गा, भूस्थला, सामली, कुरुक्षेत्र, पिपली, और ऐसे ऐसे गांव गांव में जाता था मैं, ये घरोंडा हो गया, बहुत जगह में खूब मैं करने लगा। तो फिर धीरे 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 मेरे जीवन में परिवर्तन आई, छोटी सी एक टुकड़ा लिया, फिर करते करते राजजी महाराज ने संघर्ष से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। और संघर्ष करें लेकिन किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाए बगैर, बस हमारी तरफ से हम अच्छा करेंगे ना,
सामने वाले को कितनी भी बुरा करे, लेकिन अगर हम अच्छा करेंगे और उनके लिए हम कोई कुछ निर्णय करें कि हम उनसे बदला लेंगे, तो उससे अच्छा तो परमात्मा ही देख ले तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सही, तो जीवन में बड़े आगे बढ़ पाते हैं, मैंने ऐसा अनुभव किया। आज कैसा फील करते हो आप ऐसी लाइफ? बस आज वही मैं उन लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी परेशानियां नहीं दी होती तो शायद मैं यहाँ तक पहुँचता नहीं, इसलिए उनको प्रणाम ही है। राइट राइट। गुरु जी, हम किसी से भी मिलते हैं तो सभी का ओरा एक अलग अलग होता है, किसी का नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, जिस हिसाब से कोई अपन मिलते हैं। तो हम जब भी मतलब किसी गुरु महात्मा आप जैसे साधु संत वगैरह से मिलते हैं तो एक एनर्जी मतलब एक ओरा ऐसा पॉजिटिव एनर्जी रहती है जिसे हम फील कर पाते कि हम किसी एक अच्छे ओरा में है, जैसे मंदिर वगैरह में उस टाइप का हमें फील होता है। तो उनका क्या राज वगैरह? नहीं, जैसे जैसे कल भी कुछ बात हुई थी कि जैसे हम मिलते हैं तो एनर्जी की बात है। ये जो से विद्यालय में जाते हैं ना, तो पाठशाला में जाते हैं तो एकदम ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वहाँ जाते ही हमें उस पाठशाला के अनुशासन, वहाँ के गुरु शिक्षक शिक्षिकाएं, वहाँ के वातावरण जो है ना, हमारे एक दिमाग में एक पॉजिटिव लेकर के, एकदम सकारात्मक एक सोच लेकर के आते हैं। ऐसे ही हम मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में जाते वक्त भी हमारे एक मन में है ना सकारात्मक एक भाव आने लग जाता है। जैसे कल मुझे पूछा था कि आपके पास जाते हैं तो एकदम एनर्जी फील होता है, राइट राइट, जब कुछ प्रवचन करते हैं, भजन कीर्तन होता है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी जैसे तो फील होता है, हमें भी कुछ आनंद आता है। हाँ, हाँ, क्या कारण? हम फील कर पाते उनको। तो उसका कारण यही है, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, इसको कोई या ईगो या अभिमान ऐसे नहीं सुनता। सबसे बड़ी चीज इस पॉजिटिव एनर्जी को पाने के लिए साधना करनी पड़ती है, मेडिटेशन वगैरह। केवल मेडिटेशन से नहीं होगा, मेडिटेशन से ठीक है आपका मन चित्त एकाग्र हो सकता है, साधना और ध्यान में बहुत फर्क है। अच्छा, अलग है दोनों। साधना में भी ध्यान है, साधना करने बैठेंगे फिर भी वो भी आप कि जो आपके इष्ट होंगे, परमात्मा होंगे, उनका ही ध्यान होता है। लेकिन साधना के कुछ नियम है, और जब ध्यान करने बैठने के बाद जब ध्यान में खो जाते तो ध्यान में कोई नियम नहीं है। तो इसीलिए साधना जरूरी है, एक गृहस्थ को भी संसार की चीजों को पाने के लिए गृहस्थ को भी साधना करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई दुकान में जा रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, बिजनेस व्यापार करने के लिए जा रहा है, दौड़ रहा है, तो वो सुबह से शाम तक दौड़ करके शाम को फिर घर में वापिस आना उसके लिए वो साधना है। अगर वो एक महीने तक नौकरी में नहीं दौड़ते तो उनको जो तनख्वाह मिलने वाली है वो तनख्वाह नहीं मिलती उनको, तो उसके लिए वो साधना है। एक महीने तक उसने फैक्ट्री में जाकर के काम की और उसके लिए वो साधना है जो वो दुकान में बैठ करके वो मेहनत कर रहा है, तो उसके फल क्या मिलेगा उसको? लौकिक संपत्ति। ऐसे ही साधु संत को तो आध्यात्मिक जीवन में जो बढ़ने वाले जितने भी होते हैं, प्रचारक हो, कथाकार बनना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जीवन में साधना बहुत जरूरी है। और साधना करने के लिए क्या होता है, जितना एकांत होगा उतना अच्छा होगा। जितने एकांत में जाएं, हिमालय में जाएं, तो ऐसे ऐसे साधु संत होते जिन्होंने साधना को सिद्ध करके अपने आप बस आनंद में रमे हुए, तो कोई एक ऐसे साधु एकाध ऐसे मिल जाए, संत मिल जाए, तो हमारा जीवन परिवर्तन हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं जामनगर में जब था तो मेरे गुरुजी आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज, श्री जी जगत गुरु है, धर्माचार्य है जी, तो उन्होंने मुझे देखा कि मुझे सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में, तो उन्होंने ये बोला कि टॉर्च लाइट को अगर जलाते रहेंगे तो क्या होगा, उसको रात भर जला के छोड़ देंगे तो क्या होगा। फिर मैंने कहा बैटरी खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई। फिर मुस्कुराए और गुरु जी चले गए। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ समय पश्चात मुझे ये बात एकदम सी समझ में आई कि वो बैटरी खत्म होने का मतलब मुझे जो प्रणाम कर रहे हैं पांव छू करके, तो मेरी पॉजिटिव एनर्जी को तो लेके जा रही ना। जो मंदिरों में बैठ के मंजीरा बजा रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, परिक्रमा कर रहा हूँ, प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, आध्यात्म का चिंतन कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, तो वो तो मुझे मेरे सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के जा रहे ना पांव छू। हाँ, तो मुझे लगा कि निसाधना। फिर मैंने जाकर गुरु जी से पूछा, गुरु जी
इसका मतलब क्या, वो जो शक्ति चली जाएगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा। पर उनके एक ही शब्द था कि साधना। फिर मैंने पूछा साधना कैसे करना, मतलब एकांत में। फिर एकांत में कहाँ जाएं, बोला वो आप जानो, क्योंकि गुरु तो मझाना चाहते हैं ना। फिर उसके बाद जब मैं वृंदावन गया, फिर उसके बाद जब फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, जैसे हरि महाराज, मुद्गताल, आयना माता जी, ऐसी ऐसी जगह में, नचिकेता ताल और भविष्य बद्री, ऐसी जगह में जाकर के फिर मैं प्रत्येक वर्ष साधना करने लगा। लेकिन साधना की शुरुआत कैसे करें मुझे पता नहीं था। पहली बार साधना मेरे 22 दिन की हुई थी। अच्छा। और वो उत्तरकाशी से ऊपर जंगल के बीच में एक आयना माता जी का मंदिर है, और वो माता के मंदिर में ऐसे कि माता जी की आंखें है ना, जैसे मानो ऐसा लगता है कि जैसे वो उनकी आंखें बंद होगी, खुलेंगी ऐसा। 22 दिन तक वहां रहा, और जब पहली बार गए उस जंगल के बीच में देखा गाय के बछड़े को, वो गुलदार बोलते हैं वहाँ उत्तराखंड में चीते को, तो गुलदार ने खाया था। और जंगल में हमें रहना है, छोटी सी एक मिट्टी की बनी हुई कुटी है, मंदिर तो बड़ा सुंदर छोटा सा, एक से दो आदमी नहीं समाते। तो अब वहां तो चीता है, वो सब है, तो मन में तो इतना भय लग रहा था कि क्या होगा। तो महाराज ऐसा रहे 22 दिन तक, लेकिन एक महात्मा जी साथ थे, उन्होंने धीरे 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 हमें सिखाया। फिर वहां से मुद्गताल लेके गए, मुद्गताल में ऐसे चमत्कार वगैरह सब चमत्कार है बहुत एकदम। तो ये बन करें तो चमत्कार मतलब ऐसा है, तो गए तो बहुत कुछ यहाँ से मतलब सीखने को मिला। तो कहने का मतलब मेरे के साधना की, साधना बहुत जरूरी है। साधना से हम जो अध्ययन 5 वर्ष तक करेंगे, और अध्ययन के साथ साथ में अगर साधना भी करेंगे, तो वो जो जो आप जो अध्ययन कर रहे हैं ना, वो चीज प्रस्तुत कर पाएंगे लोगों के सामने। और केवल लोगों के सामने नहीं, हमारे जीवन में भी ढालेगा उसे। तो इसके लिए पॉजिटिव एनर्जी के लिए मुझे जहाँ तक लगता है, महापुरुष संत गुरुजन और उनके सानिध्य में जाएं, तीर्थ स्थान में जाएं। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोग कुछ संप्रदाय में सीमित होकर के हम ये तीर्थ नहीं जाएंगे, हम वो तीर्थ नहीं जाएंगे, ऐसे बोलने वाले भी होते हैं। लेकिन सनातन परंपरा अनुसार, और हम विवेक अगर हमारा सही ढंग से सोच करके, हर तीर्थों में पॉजिटिव एनर्जी है, हर धामों में एक सकारात्मक ऊर्जा है। जिस मिट्टी में न जाने कौन से देवता या कौन से महापुरुष आकर के वहाँ घूम करके गए हो, उस भूमि में जाने से वहाँ की मिट्टी उड़ करके हमारे सिर पे भी पड़ जाए, हमारा जन्म बदल जाए, जीवन बदल जाए। तो इसीलिए देखिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए तो साधना बहुत जरूरी है, चाहे आप ही। अच्छा, फिर एक बात ये भी तो है ना, साधना तो हिमालय में तो हम लोग कर सकते, लेकिन गृहस्थी क्या, गृहस्थी के लिए कुछ बता। गृहस्थी के लिए भी तो साधना ये है कि घर में बैठ करके एक नियम होना चाहिए। सुबह उठ करके नियम से एक अपना पूजा पाठ करना, एक नियम। आपकी नौकरी में जाने का नियम है, आपका नाश्ता करने का नियम है, आपका भोजन करने का नियम है, आपकी फैक्ट्री में जाने का नियम है। जब भोजन करने का नियम है, तो भजन करने का नियम क्यों नहीं है? गृहस्थ जीवन में भी भजन करने का एक नित्य नियम, सुबह उठते ही स्नान करना, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि सुबह उठते ही सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके खाना चाहिए, आज 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, शास्त्रम स्नानम चरेत, 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए। तो सबसे पहले नहा करके पूजा पाठ में बैठे, ध्यान करे, चितवनी करे, या मन को परमात्मा के चरणों में लगाए, तो भी एक साधना। नियम अगर आप करते जाएंगे, 12 साल तक पत्थर से एक ही पेड़ में पत्थर मारते रहेंगे, तो 12 साल के बाद में आप सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन नियम नहीं छूटना चाहिए, आपका समय बराबर होना चाहिए। जब एक पत्थर पेड़ पे मारने से भी सिद्ध हो जाते हैं, तो 12 अब नियम से अगर परमात्मा का नाम जाप करेंगे, तो हम क्यों सिद्ध नहीं होंगे? इसीलिए साधना बहुत जरूरी है। गुरु जी, अपने जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य, देखिए लोग अपने अपना जीवन है, तो वो किसी का उद्देश्य आतंकवादियों को मारने का उद्देश्य होता है। आतंकवादी तो यही सोचेगा कि हम मारे, जितना ज्यादा लोगों को मारे, जितना आतंकवादियों का अपना उद्देश्य है, व्यापारियों का अपना उद्देश्य है, विद्यार्थी का अपना उद्देश्य है, संत योगियों का अपना उद्देश्य है।
तो सबके जीवन में अपना अपना उद्देश्य है, लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, ब्रह्मा जी ने जब कर्दम ऋषि को कहा कि पुत्र अब तुम्हें सृष्टि करनी है, तो कर्दम ऋषि ने पहला प्रश्न किया था कि हे पितामह पिताजी कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है, तो ब्रह्मा जी ने एक ही शब्द कहा था, परमात्मा की प्राप्ति। देखिए, हम चाहे कितनी भी कमाएं, लाख कमाएं, करोड़ कमाएं, अरब कमाएं, मान कमाएं, सम्मान कमाएं, खूब संपत्ति कमाएं, लेकिन जब तक हमारा उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति न हो, तो फिर वो कमाना क्या कमाना। चलो अरबों रुपया कमा लिया, सारी दुनिया के हम राजा भी हो गए, खरबों है हमारा, हम हीरे के पलंग पे भी सोते हैं, लेकिन एक दिन तो जाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए, जब वो जो बादशाह थे, तो उन्होंने, सिकंदर बादशाह ने हीरे के पलंग पे सोता था सिकंदर। अच्छा, हाँ। पलंग हीरा का था, लेकिन जब वो मरने लगा, उसका प्राण निकलने वाला था, तो उनके जी हुजूर करने वाले नौकर चाकर मंत्री वगैरह सब आए, हुजूर कौन से बैठे बुलाए, हुजूर कौन से बैठे बनाए, आप क्या चाहते हैं हुजूर? तो सिकंदर बादशाह ने अंतिम समय में क्या कहा था, मैं एक चीज चाहता हूँ, अगर आप देना चाहते हैं तो हुजूर हम हाजिर कर देंगे, बस मैं एक चीज चाहता हूँ, मैं शांति से मरना चाहता हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैंने देख लिया हीरे के पलंग पे सो करके भी मुझे एक दिन मरना पड़ेगा, मैंने इतने लोगों को मारा, अब मेरी कौन सी गति होगी, दोजख के आग में जल करके भी पाक नहीं हो पाऊंगा मैं, इसलिए जीते जीते तुम लोगों ने मुझे शांति से जीने नहीं दिया, अब शांति से मरना चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ। तो कहने का भाव क्या है, चाहे कितनी भी संपत्ति और सम्मान कमाए, लेकिन सबको एक दिन छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। छोड़ के जाना पड़ेगा, इसका मतलब आप कमाना छोड़ दे ये नहीं कह रहे, आप अपना कर्म करिए, मेहनत करिए, कमाइए खूब धन दौलत, लेकिन क्या होता है कि उस धन दौलत के प्रति, संपत्ति के प्रति, उसके प्रति मोह न रखे। ज्यादा अगर मोह रखने लग जाते ना, तो वहीं जाकर के गड़बड़ हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य फिर यही रखना चाहिए कि मन में, जैसे मैं विद्यार्थी हूँ तो मुझे पढ़ करके ये करना है, पीएचडी करना है, इस कंपनी में करना है, देश में जाना है, विदेश में जाना है, या नासा में जाकर के मुझे साइंटिस्ट बनना है, जो भी एक उद्देश्य होता है ना, लक्ष्य। तो इसी तरह से हर एक मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि एक दिन मुझे परमात्मा के धाम जाना है, तो इसीलिए मैं क्यों ना अभी से अभ्यास करूँ। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं प्राय कथा में कहा करता हूँ, जवानी में कमाया हुआ धन जो है ना, वो बुढ़ापे में काम आता है कि नहीं आता? बचपन से लेकर के पढ़ाई करते हैं किस लिए? अपने जीवन संवारने के लिए। जवानी में कमाया हुआ धन जो है वो बुढ़ापे में काम आ जाता है, उसी तरह से जवानी में किया हुआ धर्म भी बुढ़ापे में काम आएगा। इसलिए मैं तो युवाओं को ये कहता हूँ कि युवावस्था में धर्म करो, वो काम आएगा। इसलिए हमारा उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। गुरु जी, हमारे सुंदर साहब जी ने हमारे से प्रश्न करने को बोला था, तो हम गोलोक धाम क्या है? गोलोक धाम, देखिए जहाँ अभी हम बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं बगीचे में, तो इसके नीचे सात लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इसके नीचे सात लोक है, और इस धरती के ऊपर में पितृलोक है, उसके ऊपर में स्वर्गलोक है। इस तरह से करते करते बैकुंठ, यानी कि सात नीचे और बैकुंठ तक सब कुल मिलाकर के, धरती को मिलाकर के 14 लोक होते हैं। अब दुनिया वाले क्या होता है कि जब जिनका शरीर पूरा हो जाता है, वो फोटो के नीचे लिखते हैं स्वर्गवासी, यानी कि स्वर्ग में वास करने के लिए चले गए, वास मतलब निवास करने के लिए चले गए। लेकिन कृष्ण जी ने तो भगवद गीता में ये कहा कि छीने पुण्य मृत्यु लोक विशंति, पुण्य का खत्म हो जाएगा तो स्वर्ग से धक्का मार करके निकाल दिया जाएगा। मेरे पास 5 लाख रुपया है या 50 लाख रुपया मैं लेकर के घूमने के लिए मैं स्विट्जरलैंड गया या अमेरिका गया, कनाडा गया, किसी भी देश में गया, तो मुझे 5-star होटल में रहने को मिलेगा, क्योंकि मेरे पास 50 लाख है। जैसे 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 पैसा खत्म हो जाएगा और उस होटल से धक्का मार करके निकाल देंगे पूरा पैसा खत्म होने के बाद, उसी प्रकार से संसार में किए हुए पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग होता है। पुण्य खत्म तो स्वर्ग धक्का मार करके फिर दुनिया में भेज देंगे। उस स्वर्ग से भी परे बैकुंठ है, लेकिन बैकुंठादिशु लोकेषु गमनागमनम प्रभो, बैकुंठ आदि लोक में जाने के बाद में भी फिर आवागमन के चक्कर में आना पड़ेगा। उससे भी परे अगर कोई धाम है तो वो गोलोक धाम है।
गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण जी, राधा और ग्वालवाल और गोपियां सब वहां पर रहते, यावत पदार्थ पशु पक्षी गाय बछड़े ये सब, यमुना जी नदी सब, ये गोलोक धाम है जो विशेष करके वैष्णव संप्रदाय में और सर्वोपरि परी और वो सर्वश्रेष्ठ उसी धाम को मान करके वो गोलोक धाम की उनकी आराधना करते हैं। परम धाम और गोलोक धाम दोनों अलग अलग है? हाँ बिल्कुल अलग है। अब जैसे आपने परम धाम और गोलोक धाम में अलग की बात कही तो कितने लोग तो ये भी बोलते हैं गोलोक धाम को ही परम धाम बोलते हैं, बोलने के लिए तो कितने लोग वैकुंठ को भी परम धाम बोलते हैं, स्वर्ग को भी परम धाम बोलते हैं, है ना। अब केवल बोलने से नहीं होगा, अरे कई कई शास्त्रों में ऐसा भी आता है कि जैसे वैकुंठ को भी परम धाम ये कहा है। परम धाम तो श्री कृष्ण जी ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, जहां जाने के बाद कभी आया ही नहीं जाएगा वो परम धाम है। लेकिन स्वर्ग जाने की बात भी आया जाएगा, वैकुंठ जाने के आदमी भी आएगा जाएगा। और आप गोलोक की बात करेंगे तो ठीक है, गोलोक में प्रेम ही प्रेम ही आनंद ही आनंद है, तो वहां राधा ने श्रीदामा को श्राप क्यों दिया? प्रेम में भूमि में श्राप कहां से आया? तो एक थोड़ा सोचने वाली बात है। और जहां श्राप, जहां परस्पर एक आपस में ऐसी बातें हो जाती है, जहां क्रोध हो कोई, तो वहां पर कैसे आनंद? क्योंकि वो अखंड आनंद में न क्रोध न लोभ न ईर्ष्या न द्वेष कुछ भी नहीं है। परम धाम स्वर्ग को कहने वाले को लिए ये है कि मैं अपने बच्चों को मैं राजा बोलूंगा तो मेरे बेटे को मैंने राजा कहा तो इसके लिए मेरे बेटा राजा नहीं होता। जो असली राजा है ना वही राजा होता है। तो इसी तरह से गोलोकाच्च परम पदम, शास्त्रों में क्या कहा, वैकुंठ से ऊपर अष्टावरण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार और पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, उससे ऊपर और जाएंगे एक दिव्य ज्योति रूप में है, निराकार है, सात शून्य है, नारायण है, और अक्षरधाम है, अक्षर के अंदर में भी गोलोक है। तो लेकिन शास्त्रों ने कहा है गोलोकाच्च परम पदम, गोलोक से भी परे एक पद है जिनका नाम है परम धाम, जहां जाने के बाद कभी आया नहीं जाएगा। जो परम धाम जो है वो अखंड परम धाम, तो वो गोलोक धाम से बिल्कुल अलग है, न्यारे है। गुरु जी आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? युवाओं को ये मैसेज देना चाहेंगे, देखिए अब लोग मुझे देख करके कुछ लोग हंसते हैं, आपने इसलिए कि मेरे ये ड्रेस आपने देखा, तिलक चंदन केस लंबे चल रहा पब्लिक प्लेस में खास करके। हाँ, मतलब सभी युवा की बात नहीं कर रहे, कुछ लोग ऐसे होते हैं श्रद्धा रख करके हाथ जोड़ के प्रणाम करना, आना सेल्फी लेना, बातों करना, बहुत अच्छे लोग भी बहुत ही हैं, हंसने वाले बहुत कम होते हैं। उनको ये लगता होगा कि शायद इस उम्र में मतलब ऐसे इस अवस्था में ऐसे ड्रेस और अध्यात्म में चले, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, दुनिया देख लेते हैं, देख लेते उसके बाद दुनिया तो हम ऐसे ही देखे हुए मुझे देखकर मुझे याद है कि मैं बॉम्बे में पहली बार मैं वो जो लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए मुझे चाहना थी वो चढ़ने के लिए गया था, तो उस समय मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था। और वो लोग हंस रहे थे जिनके पैंट बहुत फटे हुए थे, इधर से फटा इधर से फटा फटा, हम तो उसको फटा फटा बोलते हैं, इधर से फटा है सब फटा है, फटे हुए पैंट, हंस रहे थे, लड्डू लड्डू बोल रहे थे, शायद वो कहना ये चाहते होंगे कि महाराज को तो खूब लड्डू खाने को मिलता है इसीलिए लड्डू लड्डू बोल रहे थे। अब वो लोग मुझे देख करके हंस रहे थे, लेकिन मन ही मन में उनको देख करके हंस रहा था, बेचारा इनकी जिंदगी तो गई गई ये तो इस तरह से मेरा मजाक उड़ा रहे कि जैसे कि ये अखंड इस दुनिया में तो 500,000 साल तक जीने वाले। लेकिन युवाओं को ये मैसेज चाहिए कि मेरा एक अभी कहा था ना, जवानी में कमाया हुआ धन बुढ़ापे में काम आता है युवाओं के लिए, और उसी प्रकार से और जवानी में कमाया हुआ धर्म भी बुढ़ापे में काम आता है। इसलिए युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि आप तीर्थों में जाओ घूमने के लिए, लेकिन पवित्रता बना करके जाए, बद्री केदार गंगोत्री जमुनोत्री रामेश्वरम जगन्नाथपुरी हरिद्वार वृंदावन नौतनपुरी महामंगलपुरी धाम पद्मावतीपुरी धाम, तीर्थों में जाएं। तीर्थों में जवानी में खूब जाएंगे आप, और फिर उसके बाद देखना आपका बुढ़ापा इतना सुंदर होगा। उसका कारण क्या है कि खेत जोताने के लिए छोटे बैल को लेके जाना पड़ता है, उसको आदत छोटे से ही डालना पड़ता है। अगर एकदम से बड़े बैल को ले जाकर खेत जोताएंगे ना तो वो सिंग मार देगा, भाग जाएगा, वो जोताने वाले का हाथ पांव तोड़ देगा। इसी तरह से जैसे हम लोगों ने पढ़ने का अध्ययन बचपन से शुरू किया,
इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, अभ्यास किया तो अभ्यास करते करते आज हम परफेक्ट हो गए। तो उसी प्रकार से अध्यात्म में भी आप जितना अभी से शुरुआत करेंगे ना, जब बुढ़ापा आते आते आप परफेक्ट हो जाएंगे, एकदम गजब हो जाएगा, इतना अच्छा लगेगा कि फिर देखना बुढ़ापा तो आपका इतना ऐसा बीतेगा कि आप तीर्थों में भले शरीर से नहीं जा पाएंगे लेकिन मन से पहुंचेंगे। आहा, वो 16 किलोमीटर केदारनाथ चलते हुए बड़ा आनंद आया था। जब गए थे पद्मावतीपुरी धाम, जब गए थे नौतनपुरी और मंगलपुरी, तो बड़ा आनंद आया था। मतलब एक होता है ना, तो वो चिंतन, चिंतन का मतलब केवल आंख बंद तीर्थों के एक एक चिंतन करना बुढ़ापा। इसलिए युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ, नशा को छोड़ करके एक बार ये धर्म की नशा करके देखे। ये ऐसा नशा नहीं कि दुनिया वाले की नशा जैसे नशा। अध्यात्म और सनातन धर्म, एक सनातन धर्म की थोड़ी सी नशा अगर हम करने लग जाएंगे ना, तो इसको वैसे तो नशा कहना नहीं चाहिए लेकिन एक स्वाद लेंगे ना तो इतना आनंद आएगा कि दुनिया के हर स्वाद फीके लगने लगे। बिल्कुल बड़ा आनंद आएगा। एक बार थोड़ा चक्कर के तो देखे भगवान जी के नाम में क्या आनंद है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ करके काम काम धंधा छोड़ करके अध्यात्म में लगो, लेकिन एक बार थोड़ा स्वाद लेकर के देखो क्या आनंद आता है। युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि आप पढ़ाई भी करिए, शिक्षा भी लीजिए लेकिन दीक्षा भी लीजिए, संपत्ति भी कमाइए लेकिन संस्कार भी कमाइए। तो इसीलिए आपका मान सम्मान भी बढ़े लेकिन आपका धन दौलत भी बढ़े, खूब आप आगे बढ़िए लेकिन साथ साथ में आध्यात्मों को भी साथ में लेके चले। निष्कलंक बुद्ध अवतार का अवतार हुआ या नहीं हुआ, यह हमारे सुदूर साथ का बुद्ध निष्कलंक का अवतार हुए कि नहीं हुए। देखिए आज भी कोई ऐसे ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि मैं बुद्ध निष्कलंक का अवतार हूँ। जो किस स्थिति में है, परिस्थिति में है, वो दुनिया और सरकार और सब लोग जानते हैं कि वो कहाँ बंद है। तो अपने आप को वो बुद्ध निष्कलंक का अवतार घोषित करते हैं। साउथ में भी थोड़े दिन पहले वो बुद्ध निष्कलंक का अवतार घोषित किए हुए थे। तो किसी की खुद को खुद मैं सुंदर हूँ करके चेहरे पे चिल्लाना और चौराहे पे जाके चिल्लाना, अरे गांव वालों सुनो मैं सुंदर हूँ मैं सुंदर हूँ, गांव वाले इकट्ठे हो गए, सबने पूछा कैसे आप सुंदर हैं, बोलते कि मैं सुंदर हूँ, किसने कहा, बोलते मेरी माँ कहती है कि मेरा बेटा सुंदर है। तो गांव वाले हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे। बिल्कुल, किसी के मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं सुंदर हूँ, तो मैं सुंदर माँ की नजर में तो जब बेटा कैसे भी सुंदर ही होना, कोई दूसरे कहे, गांव वाले कहे, समाज वाले कहे। बुद्ध निष्कलंक का अवतार बोलने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन बुद्ध निष्कलंक का अवतार शास्त्रों के हिसाब से हो ना। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निदानंद संप्रदाय में बुद्ध निष्कलंक अवतार के विषय में स्पष्ट शास्त्रोक्त प्रमाण है। बुद्ध अवतार निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद जी महाराज है, क्योंकि स्वामी जी ने चौपाई में क्या कहा कि एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे पूरी नौतन, यानी कि नौतनपुरी धाम में स्वयं बुद्ध अवतार हुए हैं सदगुरु देवचंद जी महाराज। और वही बुद्ध जब इंद्रावती के धामदिल में जाकर के बस जाते हैं, और क्योंकि इंद्रावती निष्कलंक अवतार है वो बुद्ध अवतार है, जब बुद्ध आकर के निष्कलंक के अंदर में आकर के प्रवेश करते हैं तो वो बुद्ध निष्कलंक अवतार होते हैं। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दे करके परमात्मा ने निजानंद स्वामी को कहा कि पूछ जो पूछना हो पूछो, क्यों कहाँ जाएंगे आप। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, मैं आपके अंदर आकार में यानी कि हृदय में आकर के बस जाऊंगा। यानी कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा निजानंद स्वामी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के हृदय में बस गए। और जब सदगुरु के धाम गमन पश्चात जब इंद्रावती हफ्सा जेल में जाकर के अपने सदगुरु को याद कर करके रो रही थी, तो सदगुरु का साक्षात तो दर्शन भी हफ्सा जेल के अंदर में लालदास जी महाराज के थे, साक्षात सदगुरु का दर्शन हुए। और सदगुरु राजजी महाराज और जब इंद्रावती के धाम दिल में आकर के बस गए तो बुद्ध निष्कलंक अवतार, क्योंकि बुद्ध निष्कलंक अवतार और आ चुके हैं। बुद्ध निष्कलंक अवतार महामति स्वामी श्री प्रज्ञा जी महाराज को कहा है, बुद्ध अवतार सदगुरु निष्कलंक अवतार है। क्यों? क्योंकि बुद्ध निष्कलंक अवतार जब आते तो सारे धर्म को एक करते हैं। और यहाँ पर क्या है हमारे में कि हम क्या कहते हैं कि या हिंदू या मुसलमान सब एक ठौर ले आए ईमान,
चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या बुद्धिस्ट हो या जैनी हो, कोई भी है जो धर्म मान रही है, धर्म नहीं है ये, मजहब है, संप्रदाय है। धर्म तो असल में देखा जाए एक ही धर्म है, सनातन धर्म। और वही सनातन धर्म में हम है, हम सनातन धर्म से अलग नहीं है, इसलिए सबके लिए है वो। तो ऐसी वाणी लेकर के आए हैं बुद्ध निष्कलंक का अवतार, हर एक धर्मों के लिए लेकर के आए हैं, मतलब हर एक संप्रदाय के लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो सबको एक करने की ताकत और ये बुद्ध निष्कलंक अवतार के अंदर में और वो थी। और वो भले तन के रूप से वो दिखाई नहीं देते, अंतर्ध्यान हुए हैं, लेकिन वाणी में और हर एक भक्त सुंदर सात के अंदर में वो छुपे हुए हैं, बसे हुए हैं। नहीं तो महाराज आज से 500 वर्ष पहले जब औरंगजेब दिल्ली में अत्याचार कर रहा था, किसकी हिम्मत थी उस राजा के सामने जाकर के बात करें, संदेश तक, क्योंकि 72 मन चोटी और जने को काट करके अत्याचार करता था, तब भोजन करता था, 46,000 मंदिर को तोड़ा उस पापी औरंगजेब ने, छोटे छोटे दो दो महीने चार चार महीने के बच्चे को ऐसे आकाश में फेंक करके आसमान में, और नीचे से भाले को ऐसे खड़ा करता था और भाले में आर पार कर देता था, इतना अत्याचार किया है। आज भारत में देखिए कौन सी जगह में उसने तोड़ा, नहीं तो आतता ही तो है ना, वो पापी तो है ना, आया हम लगे। तो ऐसे पापी के सामने बोलने के क्या, उनके तो शब्द उच्चारण करने के लोग डरते थे, लेकिन स्वामी जी ने और ब्रह्म सृष्टि को तैयार करके भेज दिया कि जाओ जाकर के बोलो उनको, आखिरी इमाम में दिया आए बुद्ध निष्कलंक अवतार आए। तो उसको ईमान तो आ गया था, विश्वास तो हो गया था, लेकिन उसके पाप कर्म के कारण वो स्वामी जी के दर्शन नहीं कर पाया। क्योंकि दारा सिकोहा उनके जो बड़े भाई थे ना औरंगजेब के, दारा सिकोहा इतने धार्मिक थे कि संतों के पास जाकर के गीता को उन्होंने 700 श्लोक को याद कर लिया था। अच्छा, केवल हिंदू धर्म में आना बाकी था विधि विधान सहित, लेकिन वो तो उससे पहले उन्होंने देखा कि औरंगजेब ने कि मुझे शाहजहां के गद्दी में मुझे बैठना है, नहीं तो तारा सिंह को अगर बिठाएंगे, तो अपने भाई को जेल में जाकर के बंद कर दिया औरंगजेब ने। और तारा सिंह ने कहा कि अरे भाई मुझे माफ कर, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे यहाँ का बादशाह नहीं बनना है, तू बन यहाँ के बादशाह। लेकिन आखिरी इमाम मेदी आ चुके हैं, बुद्ध निष्कलंक अवतार आ चुके हैं, कम से कम उनके दीदार तो करने दे, उनका दर्शन तो करने दे। लेकिन ये बात सुन सुन करके भी, लेकिन उसने अपने भाई को नहीं छोड़ा। और क्या किया, पिताजी के सामने, देखिए यही संस्कृति है हमारे सनातन परंपरा की, कि उस औरंगजेब ने पिताजी के सामने अपने भाई, और पिताजी दूसरे कमरे में बंद है, और उसने क्या किया, गर्दन को काट करके लोगों के सामने ले जा करके अपने भाई के गर्दन लेकर के चल रहा है बड़े खुश होकर के। तब उस समय में पिताजी ने क्या कहा था, यही है सनातन परंपरा में फर्क। क्योंकि जो सनातन धर्म में क्या होता है, मरने के बाद भी उनके बच्चे अपने पितरों को, अपने पितरों को या अपने पूर्वजों को याद करके पिंड दान, रोटी यानी कि खाने के लिए वो पिंड दान देते हैं। यहाँ तो जीते जी मेरा बच्चा मुझे खाने नहीं दे रहा, मुझे भूखे मार रहा है, इसीलिए महान है सनातन धर्म, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो उस जमाने में प्रेरणा जी महाराज ने महाराज ऐसे अपने झंडा गाड़ दिए थे, तो उनको झुकना पड़ा था, दर्शन करने के लिए आए। मैं कैसे दर्शन करने जाऊं, करे दर्शन करने के लिए जहां भी आए, लेकिन आपके क्योंकि दारा सिंह को ने श्राप दिया था। देखिए कलयुग में बोलते हैं ना, लोगों का श्राप नहीं लगेगा, जो अंतर आत्मा से रो रो करके श्राप देते है ना, जिसने जिंदगी में हमेशा किसी को बर्बाद किया है, लेकिन वो अंतर आत्मा से श्राप देते तो श्राप लग जाता है। दारा सिकोहा ने क्या कहा था, जिस तरह से मैं तड़प तड़प के मर रहा हूं, उसी तरह से तुम भी उनके दर्शन करने के लिए तड़पते रहोगे, लेकिन तुम्हें भी दर्शन नहीं होंगे। तब इसलिए वो बुद्ध निष्कलंक अवतार को वो दर्शन नहीं कर पाए। तो बुद्ध निष्कलंक अवतार महामति स्वामी श्री प्राण जी महाराज धरती में आ चुके हैं, और वो बुद्ध कल की अवतार के विषय और जानने के लिए थोड़ा निज नाम लेकर के पास आना पड़ेगा। राइट राइट जी। तो आज आप अपने भारत के साथ साथ अपने देश विदेश में आप कथाएं अपनी चल रही है दिन भर दिन, मतलब आप कभी भी फ्री नहीं रह पा रहे है ना, तो कैसा क्या अनुभव रहा आपका विदेशों में, किसी क्या प्रतिक्रिया रही? ये आज मेरे जीवन की ये 272वीं कथा चल रही है यहाँ गुना जिला में जी। और कितना भव्य और विशाल, देखिए प्रेम, इतना आनंद, बहुत मिल रहा वैसे तो बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ। क्योंकि गांव में अलग प्रेम है, शहर में अलग प्रेम है। तो थोड़ा शहर में क्या होता है, प्रेम होता है, लेकिन शहर में थोड़ा सा
मतलब चला कि... नहीं ऐसे तो नहीं बोलेंगे, थोड़े से बहुत प्रेमी भी होते हैं लेकिन थोड़े से चालाकी, गांव में सीधे साधे लोग होते हैं। तो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, श्रीमद् भागवत करते जाते हैं तो भागवत व्यासपीठ में बैठने के बाद में एक अलग आनंद आता है, सब कुछ भूल जाते हैं जब बोलने लग जाते हैं, माइक सामने हो श्रोता सामने हो, जब बोलने लग जाए और भागवत में जो परमात्मा की लीला कृष्ण की लीला, जैसे आज छठी दिन है तो आज रासलीला के विषय में बहुत प्रसंग ऐसा आएगा, जब बोलने लग जाते तो सब कुछ भूल जाते, कुछ भी याद नहीं आता, तो बड़ा आनंद आता है, ऐसा फील होता है कि मतलब हाँ मेरे हमारे अंदर में भगवान जी है, मतलब है तो सभी के अंदर में, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हाँ। और अपना विदेशों में किसी का प्रतिक्रिया रही वहाँ? प्रतिक्रिया पहले पहले जब जाते थे तो उस समय प्रतिक्रिया हम लोगों को देखने की नजरिया कुछ और थी, जैसे हम लोग लगभग मैं 13 देश जा चुका हूँ। अच्छा। और सिंगापुर हर साल कथा करने लक्ष्मी नारायण मंदिर में, क्या बात है, 7 साल से गए हूँ। और हम लोग इधर स्विट्जरलैंड होगा, फ्रांस, जर्मन, इटली, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, भूटान, ये सब जगह हम जाते हैं, तो अभी वो देखने की नजरिया उनके अलग ही। अब उन लोगों को सनातन धर्म के विषय में पता, गोरे लोग जो है ना, अब जब चलते भी हैं तो हमारे वेशभूषा को देखकर वो पहचान जाते हैं, तो वो हाथ जोड़ कर नमस्ते नमस्ते इतना जरूर बोलते हैं। मैं कितने लोग थोड़ा और थोड़ा आगे बढ़े हुए होते तो वो बोलते हरे कृष्णा, क्योंकि इस्कोन संप्रदाय के जो इस्कोन धर्म में इन्होंने सनातन धर्म का बहुत अच्छा प्रचार किया, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें संप्रदाय के नाम में बटना नहीं है, लेकिन इस्कोन ने इतना प्रचार किया कि जैसे रशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस में देखे, कनाडा में देखे, हर देशों में, ऐसे ऐसे देशों में जो सोच भी नहीं सकते, जो हथियार उठा करके लोग एक दूसरे को मारने मरने पे तुलते हैं, ऐसे देशों में भी जब हरे राम हरे कृष्णा करके नाच रहे हैं प्रेम है, तो अब आजकल लोगों की नजरिया बहुत बदल गई। वहाँ के लोग भी यहाँ पर भारत में आके रह रहे आश्रम वगैरह में आश्रम रह रहे हैं, और अब तो खुद आकर के वहाँ के अपना नागरिकता को छोड़ करके यहीं आकर के कितने लोग तो ऐसे बस रहे हैं। वृंदावन में देखिए, हरिद्वार में देखिए, ऋषिकेश में देखिए, जो योगा सीखने के लिए कितने आते हैं हरिद्वार ऋषिकेश में, तो उन लोगों को सनातन धर्म के प्रति बहुत झुकाव और लगाव बहुत हुआ है, फर्क है बहुत कुछ। अपने अपने प्रणामी धर्म के बारे में बताइए। कृष्ण प्रणामी धर्म के विषय में मैं क्या बताऊं, अब देखिए यही हम सब जानते ही हैं, प्रणामी तो सारी दुनिया प्रणामी है, राम जी को प्रणाम करने वाला राम प्रणामी, हनुमान जी को प्रणाम करने वाला हनुमान, गणेश जी को प्रणाम करने वाला गणेश प्रणामी, शिव जी को प्रणाम करने वाला शिव प्रणामी, और हम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं इसलिए कृष्ण प्रणामी, क्या बस यही है। और कृष्ण प्रणामी धर्म में ऐसा है कि यहाँ पर एक सभी जातियों को समेट करके और केवल एक आत्मा को देख करके यहाँ कोई जाति का भेदभाव नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ऐसा कोई जाति भेदभाव नहीं है, जिसने निज नाम ले लिया तारतम मंत्र ले लिया, जिसका खाना पीना शुद्ध है, आहार व्यवहार शुद्ध है, उनका आचरण शुद्ध है, वाणी में प्रेम है, तो वो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही भवती, तो ऐसे माना जाता है। आपका सबसे बड़ा उद्देश्य? मेरा उद्देश्य तो देखिए मुझे बड़ी इच्छा है, और बाकी धीरे धीरे तो यहाँ तक पहुँचे हैं, बाकी हो सकता है कोई ऐसे माध्यम मिल जाए, कोई दाता कोई या कोई ऐसे आ जाए। मुझे एक इच्छा मेरी ये है कि मुझे गुरुकुल खोलने की बहुत इच्छा है, गुरुकुल गुरुकुल इस तरह के कि जैसे कोई पहाड़ी जगह में बड़ी सी जगह लेकर के और नदी के किनारे, और वो पुरानी ऋषि परंपरा में जो गुरुकुल पाठशाला हुआ करते थे ऐसे ही, जिसमें वाणी वितक चर्चनी विराट, और उसमें भागवत भी हो, रामायण भी हो, गीता भी हो, उपनिषद भी हो, और किसी संप्रदाय को नीचे दिखाने के हिसाब से उनको सिखाना नहीं है, केवल हमारे सनातन धर्म निजानंद संप्रदाय का प्रचार करे, पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार ऐसे बटुक ब्राह्मणों को रख करके और तैयार किया जाए, और भविष्य में वही पूरे देश दुनिया में प्रचार करें, ऐसे मुझे एक गुरुकुल खोलने की तो मेरे बहुत इच्छा है, और मैं लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा आगे तो बढ़ रहे हैं, बाकी अभी ठाकुर जी की और कृपा। और कुछ क्वेश्चन वगैरह अगर आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन प्रश्न हो? ठीक है, कोई बात नहीं, आओ इतनी देर तक आपने
साथ में बैठ करके हम लोगों ने चर्चा की धर्म के विषय में, संप्रदाय के विषय में, बुद्ध निष्कल का अवतार, जीवन जीने की कला वगैरह। तो मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत तो ऐसे बार बार फिर मिलते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत, और जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं, और उन सभी को खूब साधुवाद, धन्यवाद। और मेरा भी सुधाकर महाराज करके एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप लोग उस यूट्यूब चैनल में देखिए, मैं कथा करते रहूंगा, देश विदेश में जो लाइव प्रोग्राम वगैरह होगा, भजन कीर्तन जो भी सुनना चाहे, आपको सुधाकर महाराज के नाम से यूट्यूब में चैनल है, उसको देख करके आप खूब सुनिएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नीचे वो कर दीजिए, लिंक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री राजी महाराज और गंगा मैया की तरफ से आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका कीमती समय हमें दिया। हमें लग नहीं रहा था कि हम आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर पाएंगे, या पहला रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम फ्यूचर में करेंगे और मिलते रहेंगे, फिर आते रहेंगे, फिर प्रोग्राम करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रणाम।